हेलो गाइस, वेलकम टू आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशन। तो आज से अपन स्टार्ट करने वाले हैं बोन्स को, ठीक है। अपर लिम्स की पहले बोन्स को पढ़ेंगे, फिर लोअर लिम की बोन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बोन्स ऑफ द अपर लिम्स, ठीक। तो ये रफ आइडिया तो आपको पता ही होगा कि क्या नाम है, हमारे बॉडी में 206 हड्डियाँ होती है, 206 टोटल बोन्स रहती हैं, ठीक है, हमारी बॉडी में, जिसमें से अपर लिम्ब जो रहती है कंटेन करता है कितनी, 64 बोन्स को। दोनों साइड पे 32 32 रहती हैं, ठीक। एक रफ आइडिया देख लेते हैं 32 कैसे रहती हैं। सबसे पहले एक क्लेविकल होती है, स्कैपुला होती है, ठीक है। स्कैपुला कहाँ पर रहती है, पीछे साइड, पोस्टीरियर की तरफ, ठीक। आर्म में कौन सी रहती है, तो ह्यूमरस रहती है। फोर आर्म में कौन सी होती है, तो फोर आर्म में दो रहती हैं, एक अल्ना रहती है और एक रेडियस रहती है। तो रेडियस क्या है, रेडियस इज द लेटरल बोन ऑफ द फोर आर्म, ठीक। लेटरल साइड में, फोर आर्म के लेटरल साइड की तरफ की बोन कौन सी रहती है, रेडियस रहती है। और अल्ना इज द मीडियल बोन ऑफ द फोर आर्म, यानी कि फोर आर्म के मीडियल के साइड पे कौन सी रहती है, तो अल्ना रहती है। तो फोर आर्म पे दो रहती है, रेडियस और अल्ना। तो रेडियस जो रहती है वो लेटरल साइड पे रहती है और अल्ना जो रहती है वो मीडियल साइड पे रहती है, ठीक। उसके बाद देखते हैं तो रिस्ट में, तो रिस्ट में 8 कार्पल बोन्स रहती हैं, ठीक। कार्पल बोन्स का अरेंजमेंट अपन जब कार्पल बोन्स पढ़ेंगे तब देखेंगे, बस इतना याद रखिए नंबर की 8 रहती हैं, ठीक। उसके बाद हैंड में देखते हैं, तो हैंड में कौन कौन सी हो जाएंगी, मेटा कार्पल्स रहेंगी कितनी, 5, 1 2 3 4 और 5, ठीक। फेलेंजेस कितनी रहेंगी, तो 14 रहेंगी, चारों उंगलियों में तीन तीन, और थंब में कितनी रहती है, 2। तो किस तरीके से हो गई 14, और टोटल कितनी हो गई, देखिए 14 फेलेंजेस हो गई, 5 मेटा कार्पल हो गई, कितनी हो गई 14 और 5, 19, 19 और 8 कार्पल हो गई 27, 27 और 4 आर्म की 2 रेडियस और अल्ना 29, एक आर्म की रह जाएगी ह्यूमरस 30, और क्लेविकल और स्कैपुला को मिलाकर के 32, ठीक। तो एक साइड पे 32 और दोनों साइड पे 64 टोटल रहती है हमारी 206, ठीक। आज की अपन बोन जो पढ़ने वाले हैं वो है क्लेविकल, ठीक है। तो क्लेविकल पे चलिए देखते हैं। तो क्लेविकल सबसे पहले, इट इज अ लॉन्ग बोन, आपको दिख रहा होगा लॉन्ग बोन है, ठीक है। उसके बाद देखिए, इट सपोर्ट द शोल्डर सो दैट द आर्म कैन स्विंग क्लियरली अवे फ्रॉम द ट्रंक। अब देखिए क्लेविकल ही आपको क्लियरली दिख रही है, रेड कलर से जो मार्क्ड है वो क्लेविकल है। क्लेविकल का एक एंड अटैच्ड है किससे, स्टर्नम से। दूसरा एंड अटैच्ड है शोल्डर से, ठीक है, यानी कि एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से अटैच्ड है। स्कैपुला जब अपन पढ़ेंगे तब उसमें देखेंगे, स्कैपुला में तीन प्रोसेस रहती हैं, एक स्कैपुला में स्पाइनस प्रोसेस रहती है, एक एक्रोमियन प्रोसेस रहती है, और कोरेकॉइड प्रोसेस रहती है। तो स्कैपुला का एक एंड जो रहता है वो एक्रोमियन प्रोसेस से जाके अटैच रहता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारा शोल्डर है, शोल्डर से हमारी क्या लिम्ब अटैच्ड है, ये ठीक लिम्ब है, को जो हम अपने लिम्ब को यहां से वहां रोटेट करते हैं, स्विंग कर पाते हैं, तो वो किसकी वजह से कर पाते हैं, तो क्लेविकल जो है वो सपोर्ट करती है शोल्डर को, ताकि हम अपने आर्म को स्विंग कर पाए क्लियरली अवे फ्रॉम द ट्रंक। दूसरी चीज क्या लिखी है यहाँ पे, क्लेविकल क्या करती है, ट्रांसमिट द वेट ऑफ द लिम्ब टूवर्ड्स द स्टर्नम। अब देखिए क्लेविकल है शोल्डर से, शोल्डर में हमारा लिम्ब कनेक्ट है, और शोल्डर से यहाँ पे ये दूसरा इसका एंड कहाँ पे कनेक्ट है, स्टर्नम से कनेक्ट है, ठीक है। ये स्टर्नम है, स्टर्नम से कनेक्ट है। तो ये क्या कर रही है, ट्रांसमिट कर रही है वेट ऑफ द लिम्ब को टूवर्ड्स स्टर्नम, ठीक है। पॉइंट अपन ने अभी देखिए। इसके बाद देखिए सिनोनिम्स क्या क्या है, तो इसे कॉलर बोन कहते हैं किसमें, मेल्स में, और ब्यूटी बोन कहते हैं किसमें, फीमेल्स में, ठीक। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए, क्या क्या हो गए, कॉलर बोन कहते हैं किसमें, मेल्स में, और ब्यूटी बोन कहते हैं किसमें, फीमेल्स में। शेप देखिए, तो एस शेप्ड रहता है। अब देखिए डायग्राम से देखिए आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, एस शेप्ड है, ठीक है, एस शेप्ड कर्व या फिर एस शेप्ड बोन भी कहते हैं इसे। अब टाइप्स ऑफ बोन में, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न, अभी अपन ने देखा पहला पॉइंट ही क्या था, लॉन्ग बोन है, स्लाइटली कर्व है, डायग्राम से हमको क्लियरली दिख रहा है। और दूसरी चीज क्या है, आयुर्वेद में इसे क्या कहते हैं, नलक अस्थि के रूप में कहा गया है। अस्थियां 5 टाइप की हैं, अभी पोर्शन कवर कर चुके हैं, कौन कौन सी होती है, कपाल, रुचक, तरुण, वलय और नलक। नलक में कौन कौन सी आती है, लॉन्ग बोन्स आती है, ठीक है। तो ये क्योंकि लॉन्ग बोन है इसीलिए इसको किस में रखा गया है, आयुर्वेद में नलक अस्थि के अंतर्गत रखा गया है।
तो अभी अपन ने क्या क्या देख लिया, इसको थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज कर लीजिए। लॉन्ग बोन है, ठीक है, सपोर्ट करते हैं शोल्डर को ताकि शोल्डर जो रहता है, ठीक है, हमारा आर्म जो रहता है स्विंग कर पाए अवे फ्रॉम द ट्रंक। दूसरी चीज क्या रहती है, ट्रांसमिट करती है वेट ऑफ द लिम्ब टुवर्ड्स द स्टर्नम। सिनोनिम्स क्या क्या देखे, कॉलर बोन कहते हैं मेल्स में, ब्यूटी बोन कहते हैं फीमेल्स में, शेप कैसा देखा था, एस शेप्ड है, ठीक है, और उसके बाद टाइप कैसा देखा, तो मॉडर्न के अकॉर्डिंग लॉन्ग बोन है और आयुर्वेद के अकॉर्डिंग नलक अस्थि बताया गया। अब इसके पार्ट्स देखते हैं, ठीक है, पार्ट्स की तरफ चलते हैं। इसके पार्ट्स जो रहते हैं, इसमें दो एंड हैं, कौन कौन से, लेटरल एंड है जिसको अपन एक्रोमियल एंड भी कहते हैं, और मीडियल एंड है जिसे अपन स्टर्नल एंड भी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्लेविकल का ये लेटरल एंड है, ठीक है, लेटरल एंड को अपन क्या कह रहे हैं, एक्रोमियल एंड कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, अब इसको देखिए, लेटरल एंड जो रहता है, अभी हमने पहले बात करी, अभी दो दो मिनट पहले अभी हमने बात करी कि लेटरल एंड जो रहता है एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से जाकर के अटैच होता है, ठीक है। तो एक्रोमियन प्रोसेस से जाके अटैच होने के कारण इसको क्या कहा जा रहा है, एक्रोमियल एंड कहा जा रहा है, ठीक। मीडियल एंड जो रहता था वो किससे अटैच हो रहा था, तो स्टर्नम से हो रहा था। मीडियल एंड जो है वो स्टर्नम से अटैच्ड है, और ये लेटरल एंड जो है वो किससे अटैच्ड है, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से अटैच्ड है, इसीलिए मीडियल एंड को स्टर्नल एंड कहा जा रहा है और लेटरल एंड को क्या कहा जा रहा है, एक्रोमियल एंड, ठीक। उसके बाद एक शाफ्ट रहता है इसमें, ये जो कर्व्ड पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ना, ये पूरा शाफ्ट है। अब इस शाफ्ट को जो है दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक लेटरल 1/3 और एक मीडियल 2/3। अब इसको आपको रटने की जरूरत नहीं है, इसको आप किस तरीके से याद करेंगे उसे देखिए। मान लीजिए अगर आप इस लेटरल 1/3 को लेटरल 2/3 कर दें, ठीक है, यहां से लेकर के पूरा यहां तक जो है ये लेटरल 2/3 हो गया। मान लीजिए अगर आपने इसको लेटरल 2/3 कह दिया, अब लेटरल एंड में, ठीक है, क्या हो रहा था, हमारी लिम्ब अटैच थी, ठीक है, ये हमने अभी अभी देखा। लेटरल एंड पे अगर प्रेशर पड़ेगा, क्योंकि वहां पर लिम्ब अटैच्ड है, लिम्ब अटैच्ड है यानी कि अपन वेट को बियर कर रहे हैं, कोई भी वेट उठाएंगे करेंगे तो यहाँ पर वेट आएगा, और ये अगर इसकी लेंथ बड़ी कर दे अपन, लेटरल 2/3 कर दे और यहाँ पर लिम्ब अटैच्ड है, तो इसके ब्रोक होने के चांसेस, फ्रैक्चर होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज्यादा है। इसीलिए क्या लिया गया है, लेटरल 1/3 लिया गया है और मीडियल 2/3 लिया गया है। तो इसको आपको याद नहीं करना है, इसको रटना नहीं है, इसको समझना है कि अगर अपन ने लेटरल 1/3 की जगह लेटरल 2/3 कर दिया, तो लेटरल 2/3 हो जाने के कारण यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी इसकी लेंथ, लेंथ इंक्रीज हो जाने के कारण लेटरल एंड से जो वेट बियर करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे फ्रैक्चर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, इसीलिए लेटरल 2/3 नहीं लिया जा रहा है, लेटरल 1/3 लिया जा रहा है, ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पे समझिए कि लेटरल जो एंड है, यहाँ पर लेटरल एंड जो है वो फ्लैट है, ठीक है, इतना याद रखिए कि लेटरल एंड यहाँ पे फ्लैट है और मीडियल एंड जो है वो सिलेंड्रिकल है। अब इसे एक एग्जांपल से समझिए ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। चलिए इसे एक और एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अपन ने अभी दो चीजें देखी थी क्या, कि शाफ्ट जो था वो दो पार्ट में डिवाइडेड था, कैसे, लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3। अभी अपन बात करके आ चुके हैं कि लेटरल 1/3 ही क्यों लिया, लेटरल 2/3 क्यों नहीं लिया, ठीक है, उसका रीजन वही था कि क्या नाम है, ब्रोक होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे अगर लेटरल 2/3 हो जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए लेटरल 1/3 लेता है। अब यहां पे अपन बात कर रहे हैं लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3 की, ठीक। तो अपन ने क्या देखा था, शाफ्ट का जो लेटरल 1/3 था वो फ्लैट था और मीडियल 2/3 जो था वो सिलेंड्रिकल था। अभी अपन इतनी बात करके आ चुके हैं, अब इसको और अच्छे समझने की कोशिश करिए ताकि आगे आपको इजी पड़ जाए समझने के लिए। देखिए अगर लेटरल 1/3 जो हमने आपको बताया था फ्लैट है, कोई भी चीज अगर फ्लैट होगी तो उसमें दो बॉर्डर्स होंगे और दो सरफेस होंगी। अगर कोई भी चीज फ्लैट होगी, इतना हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी चीज फ्लैट है तो उसके दो बॉर्डर होंगे और दो सरफेस होंगे। अब बॉर्डर कौन कौन से होंगे, आगे पीछे, और दो सरफेस कौन सी होंगी, ऊपर और नीचे। आगे कैसे, तो अब दो बॉर्डर बॉर्डर कौन सी हो गई, आगे पीछे, यानी कि एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर, और दो सरफेस कौन कौन सी हो गई, ऊपर और नीचे, ठीक। तो सुपीरियर सरफेस हो जाएगी और इन्फीरियर सरफेस। फिर उसके बाद अपन ने क्या बात करी थी कि मीडियल 2/3 की बात करी थी, तो मीडियल 2/3 अपन ने क्या बात करी थी, सिलेंड्रिकल। अगर कोई भी चीज सिलेंड्रिकल है तो उसमें चार सरफेस रहेंगी, आगे पीछे ऊपर और नीचे। तो सरफेस कौन कौन सी हो गई, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस और इन्फीरियर सरफेस, ठीक है। अब देखिए ये लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट था,
लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट के लेटरल एंड पे। लेटरल एंड की अपन बात करके आ चुके हैं कि लेटरल एंड को एक्रोमियल एंड भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि लेटरल एंड जो रहता है एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से अटैच रहता है और वो क्या बनाता है, एक्रोमियोक्लेविकुलर ज्वाइंट बनाता है। ठीक है, तो ये यहां पर इसका ये लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट हो गया। इसका लेटरल एंड किससे कनेक्ट है, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से कनेक्टेड है। इसमें दो बॉर्डर होंगे ऊपर नीचे, ठीक है, तो एंटीरियर और पोस्टीरियर इसकी बॉर्डर होंगे। इसमें दो सरफेस होंगे सुपीरियर और इंफीरियर, और यहां इसकी कंटिन्यूटी कहाँ किससे रहेगी, तो मीडियल 2/3 से इसकी कंटिन्यूटी रहेगी। एक एंड पे क्या नाम है, यहां पर एक्रोमियन प्रोसेस से अटैच है और यहां इसकी कंटिन्यूटी रहेगी मीडियल 2/3 से। अब बात करते हैं मीडियल 2/3 की, तो मीडियल 2/3 क्या है, सिलेंड्रिकल है। इसमें चार सरफेस है, एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर और इन्फीरियर। ये वाला एंड जो रहता है कहाँ से अटैच्ड है, तो स्टर्नम से अटैच्ड है। ठीक है, क्या बना रहा है, स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट। ठीक, और यहां पर क्या है, कंटिन्यूटी है लेटरल 1/3 की। तो अपन ने दो चीजें अभी देखी हैं, लेटरल 1/3 कैसा है, फ्लैट है, इसमें दो बॉर्डर हैं, दो सरफेस हैं, इस एंड पे क्या कनेक्टेड है, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, और मीडियल पे क्या देखा, सिलेंड्रिकल है, उसमें चार सरफेस हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर और इंफीरियर, और एक एंड अटैच्ड है स्टर्नम से, जिसको अपन स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट बना रहा है, और यहां से तो कंटिन्यूटी ही है। ठीक है, चलिए, तो अब अपन ने देख चुका है कि लेटरल एंड जो है वो हमारा फ्लैट था, ठीक है, लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट जो था वो फ्लैट था, ठीक है, और जो मीडियल था वो सिलेंड्रिकल था। अब लेटरल 1/3 जो हमारा फ्लैट था, ठीक है, अब इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये फ्लैट है फ्रॉम एबव डाउनवर्ड, ऊपर से नीचे की तरफ जो है ये फ्लैट है। अब इसमें हमने देखा कि अगर कोई भी चीज फ्लैट रहेगी तो उसमें दो बॉर्डर रहेंगे और दो सरफेस रहेंगे। दो बॉर्डर कौन कौन से रहेंगे, एंटीरियर और पोस्टीरियर, और दो सरफेस कौन कौन से रहेंगे, ऊपर और नीचे, यानी कि सुपीरियर और इंफीरियर। तो देखिए, अब कॉनकेव और कॉन्वेक्स को समझिए ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। कॉनकेव यानी कि जिसमें कर्व जो रहता है वो अंदर की तरफ रहता है, और कॉन्वेक्स जिसमें कर्व जो रहता है वो बाहर की तरफ रहता है। वो अलग चीजें अपन अभी नीट में पढ़ के भी आ चुके हैं, अगर आपको याद हो। कॉनकेव जो रहता है वो डाइवर्जिंग लेंस रहता है, कॉन्वेक्स जो रहता है वो कन्वर्जिंग लेंस रहता है। हालांकि इतना काम करेंगे, बस इतना याद रखिए कि कॉनकेव जो रहता है जिसमें कर्व जो रहता है वो अंदर की तरफ रहता है, और कॉन्वेक्स जिसमें कर्व बाहर की तरफ रहता है। अब देखिए, दो बॉर्डर अपन ने देखे, एक एंटीरियर बॉर्डर देखा और एक पोस्टीरियर बॉर्डर देखा। एंटीरियर बॉर्डर जो था, ठीक है, ये कॉनकेव फॉरवर्ड है। देखिए, आपको दिख रहा होगा अंदर की तरफ जा रहा है ये, तो कॉनकेव कैसा है, फॉरवर्ड। एंटीरियर बॉर्डर हो गया कॉनकेव फॉरवर्ड। अब पोस्टीरियर बॉर्डर कैसा हो गया, कॉनवेक्स बैकवर्ड। पोस्टीरियर बॉर्डर ये कर्व जो है ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो कैसा है, कॉनवेक्स बैकवर्ड। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं, आपको इजीली याद हो जाएगा। दो बॉर्डर थी, एंटीरियर बॉर्डर अपन ने देखा था, फ्लैट चीज अगर कोई भी रहेगी तो उसमें दो बॉर्डर दो सरफेस रहेंगे, पहली चीज एंटीरियर रहेगी और पोस्टीरियर। अब अपन ने देखा कि ये एंटीरियर था, ये देखिए कर्व इसका अंदर की तरफ जा रहा है, तो कैसा रहेगा, कॉनकेव फॉरवर्ड। और पीछे की तरफ पोस्टीरियर बॉर्डर में क्या रहता है, कर्व जो रहता है वो बाहर की तरफ जा रहा है, तो उसको क्या कह दिया, कॉनवेक्स बैकवर्ड। ठीक, इसके अब सरफेस की बात करेंगे, तो सुपीरियर सरफेस जो रहेगी ऊपर वाली सबक्यूटेनियस रहेगी। इसको भी आपको रटने की जरूरत नहीं, सबक्यूटेनियस यानी कि आप टच करेंगे तो आपको फील हो जाएगी। आप अपनी कॉलर बोन को अभी भी टच करके देख लीजिए, ठीक है, उसको टच करेंगे तो आपको क्लियरली फील होगी। बाकी जो बोन्स रहती है वो मसल से कवर्ड रहती है, इसलिए इतनी इतनी ज्यादा फील नहीं होगी, ये आपको बाहर से ही फील हो जाएगी, इसलिए सबक्यूटेनियस कहा गया है। ठीक है, फिर इन्फीरियर वाले पे देखिए, तो इन्फीरियर वाले बॉर्डर पे देखिए एक एलिवेशन प्रेजेंट रहता है। एलिवेशन का मतलब होता है एक उभार प्रेजेंट रहता है, जिसको क्या कह दिया गया है, कोनॉइड ट्यूबरकल कह दिया गया है। डायग्राम में आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये जो उभार है इसको क्या कह दिया गया है, कोनॉइड ट्यूबरकल। ठीक है, इसको एलिवेशन को कोनॉइड ट्यूबरकल, और जो रिड्ज रहती है, जो रिड्ज रहती है उसको क्या कह दिया गया, ट्रेपेजॉइड रिड्ज। तो ये जो पूरा जो लाइन जा रही है, यानी कि जो लंबाई लाइन जा रही है, ठीक है, इससे क्या कह दिया है, रिड्ज, और ये रिड्ज का नाम क्या है, ट्रेपेजॉइड रिड्ज। ठीक है, तो इंफीरियर सरफेस पे अपन ने एक एलिवेशन देखा जिसे अपन कोनॉइड ट्यूबरकल कहते हैं, ठीक है, और एक रिड्ज देखी जिसे अपन क्या कहते हैं, ट्रेपेजॉइड रिड्ज या फिर ट्रेपेजॉइड लाइन। तो अपन ने देख लिया है ये, अभी क्या देख लिया है, लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट। लेटरल 1/3 में अपन ने दो चीजें देखी, दो बॉर्डर थे, दो सरफेस थी, एंटीरियर बॉर्डर थी जो कॉन्वेक्स कॉनकेव फॉरवर्ड थी, और पोस्टीरियर बॉर्डर जो थी कॉन्वेक्स बैकवर्ड थी। ठीक, सुपीरियर सरफेस जो थी वो टच हो रही थी, यानी कि सबक्यूटेनियस है, और इंफीरियर सरफेस पे एक एलिवेशन था जिसे अपन कोनॉइड ट्यूबरकल कह रहे थे, और एक रिड्ज है जिसे अपन ट्रेपेजॉइड रिड्ज कह रहे हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई।
अब अपन बात करते हैं मीडियल टू थर्ड ऑफ द शाफ्ट। तो अपन ये पहले भी बात करके आ चुके हैं, क्या रहती है, सिलेंड्रिकल इन शेप रहती है। चार सरफेस अगर कोई सिलेंड्रिकल है तो उसमें चार सरफेस रहेंगी, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर। अब देखिए एंटीरियर कैसी रहेगी, इसकी एंटीरियर जो है कैसी है, ये है अंदर, इसका कर्व कैसा है, ठीक है, बाहर की तरफ होगा। अब देखिए इसका कर्व आपको बाहर की तरफ दिख रहा है, तो ये कैसी हो गई, कॉन्वेक्स फॉरवर्ड हो गई, ठीक है, एंटीरियर सरफेस का कॉन्वेक्स फॉरवर्ड, ठीक। उसके बाद पोस्टीरियर सरफेस कैसी हो गई, ये अगर बाहर की तरफ है और ये अंदर की तरफ जा रही है तो कैसा होगा, अंदर की तरफ अगर कर्व होगा तो कॉनकेव एंड स्मूथ रहती है। सुपीरियर सरफेस कैसी रहती है, इसकी रफ रहती है। और समझने वाली बात है इसकी इंफीरियर सरफेस, इंफीरियर सरफेस को अच्छे से समझिए। इंफीरियर सरफेस पे तीन चीजें रहती है, इंफीरियर सरफेस पे देखिए ये जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका ये मीडियल टू थर्ड है ये पूरा, और ये जो लाइन है ये क्या है, लेटरल वन थर्ड है, लेटरल वन थर्ड है, और ये मीडियल टू थर्ड। मीडियल टू थर्ड के मीडियल एंड पे एक ओवल इम्प्रेशन प्रेजेंट रहता है, रफ ओवल इम्प्रेशन प्रेजेंट रहता है मीडियल टू थर्ड के मीडियल एंड पे, ठीक। पहली चीज क्लियर हो गई, मीडियल टू थर्ड के मीडियल एंड पे क्या प्रेजेंट है, एक रफ ओवल इम्प्रेशन प्रेजेंट है। अब मीडियल टू थर्ड के लेटरल हाफ पे, ठीक है, पहली चीज क्या देखी, मीडियल टू थर्ड के मीडियल एंड पे एक रफ ओवल इम्प्रेशन प्रेजेंट है। अब मीडियल टू थर्ड के लेटरल हाफ पे एक लॉन्गिट्यूडनल सबक्लेवियन ग्रूव प्रेजेंट है, ये यहां से लेकर के यहां तक एक ग्रूव है, यानी कि गड्ढा है, जिसको अपन क्या कह रहे हैं, सबक्लेवियन ग्रूव है, कह रहे हैं। कहां पर प्रेजेंट है, मीडियल टू थर्ड के लेटरल हाफ पे, लेटरल हाफ ऑफ दिस सरफेस, इंफीरियर सरफेस, ठीक है, मीडियल टू थर्ड के इंफीरियर सरफेस के लेटरल हाफ में क्या प्रेजेंट है, एक सबक्लेवियन ग्रूव प्रेजेंट है। और इस सबक्लेवियन ग्रूव के लेटरल एंड पे एक न्यूट्रिएंट फोरामेन प्रेजेंट है, ठीक है। तो अपन ने अभी मीडियल टू थर्ड की बात करी थी, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर, इंफीरियर, चार सरफेस थी। एंटीरियर सरफेस कैसी थी, कॉन्वेक्स फॉरवर्ड। पोस्टीरियर सरफेस कैसी थी, कॉनकेव थी और स्मूथ थी। सुपीरियर सरफेस कैसी थी, रफ थी। और मीडियल टू थर्ड के इंफीरियर सरफेस पे तीन चीजें थी, एक तो पहली चीज क्या, उसके मीडियल एंड पे क्या, एक रफ ओवल इंप्रेशन था, लेटरल हाफ पे एक सबक्लेवियन ग्रूव था, ये गड्ढा आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये गड्ढा, और एक न्यूट्रिएंट फोरामेन प्रेजेंट है इसी ग्रूव के लेटरल एंड पे, ठीक है। तो ये चीज, तीन चीजें हो गई। अब बात करते हैं इसके एंड की, ठीक है, तो उसके दो एंड है, कौन कौन से, एक्रोमियल एंड है और स्टर्नल एंड है। अपन पहले भी बात करके आ चुके हैं, एक्रोमियल एंड को लेटरल एंड भी कहते हैं, लेटरल एंड को एक्रोमियल एंड कहते हैं, दोनों चीजें सेम ही है। ये कैसी रहती है, फ्लैट रहती है। ये क्या करती है, एक ओवल फेसेट को बियर करती है, यानी कि गड्ढे को, जो कि जिस गड्ढे में आर्टिकुलेट होता है, जुड़ता है, मिलता है आकार के कौन, ठीक है, एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ स्कैपुला। इसीलिए इसको क्या बनाता है, ये एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट, एक्रोमियल प्रोसेस ऑफ स्कैपुला ज्वाइंट हो रहा है क्लेविकल से, तो क्या बनाएगा, एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। और स्टर्नल एंड को अपन मीडियल एंड भी कहते हैं, ये कैसा था, क्वाड्रेंगुलर या फिर सिलेंड्रिकल, ठीक है, किससे आर्टिकुलेट हो रहा है, एक क्लेविकुलर नॉच ऑफ द मैनुब्लियम स्टर्नी, ठीक है, स्टर्नम के सबसे अपर अपर पार्ट ऑफ द स्टर्नम को क्या कहते हैं अपन, मैनुब्रियम कहते हैं, ठीक है, ये स्टर्नम है पूरी, स्टर्नम के ऊपर अपर पार्ट ऑफ द, क्या नाम है, स्टर्नम इज नोन एज मेनुब्रियम, ठीक है। तो मेनुब्रियम से जाकर के कनेक्ट होता है, स्टर्नम का ही एक पार्ट है, तो क्या बनाता है, स्टर्नोक्लेविकुलर ज्वाइंट, ठीक। एंड अपन ने दो देखे, एक एक्रोमियल एंड है, एक स्टर्नल एंड। एक्रोमियल एंड जो रहता है वो फ्लैट है, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला से जाकर के अटैच हो रहा है और क्या बना रहा है, एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। स्टर्नल एंड जो रहता है वो मीडियल एंड है, किससे जाकर के अटैच हो रहा है, मैनुब्रियम, मैनुब्रियम स्टर्नी से आर्टिकुलेट हो रहा है और क्या बना रहा है, स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट। रटने की जरूरत नहीं है, एक्रोमियन प्रोसेस से हो रहा है और कौन हो रहा है, क्लेविकल, इसीलिए एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। और स्टर्नल एंड है, ठीक है, तो स्टर्नो क्लेविकुलर क्यों, स्टर्नम से अटैच हो रहा है और कौन जाके अटैच हो रहा है, क्लेविकल, तो क्या होगा, स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट, ठीक है। उसके बाद इसकी साइड डिटर्मिनेशन देखते हैं। साइड डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कि आप उसको, बोन को देख करके किस तरीके से पहचानोगे कि कौन सी बोन जो है वो राइट साइड की है और कौन सी बोन लेफ्ट साइड की है, वो डिटरमाइन करने के लिए क्या किया जाता है, साइड डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो देखिए
सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि लेटरल एंड और मीडियल एंड को पहचानेंगे। लेटरल एंड को तो आप आसानी से पहचान जाएंगे कि वो फ्लैट रहेगा, और मीडियल एंड जो रहेगा वो क्वाड्रेंगुलर रहेगा या फिर सिलेंड्रिकल रहेगा। तो ये आपकी सबसे पहली पहली चीज क्या होगी कि आपको लेटरल एंड और मीडियल एंड की पहचान करनी है, ठीक है? ये कर ली। उसके बाद आप शाफ्ट की पहचान करेंगे, ठीक है? शाफ्ट की शाफ्ट से भी पहचान कर सकते हैं लेटरल और मीडियल एंड की, कि अगर शाफ्ट का कॉन्वेक्स फॉरवर्ड रहेगा। कॉन्वेक्स फॉरवर्ड किस में हो रहा था? मीडियल 2/3 में। और कॉनकेव फॉरवर्ड किस में हो रहा था? लेटरल 1/3 में। ये अभी अभी हम देख करके आ चुके हैं कि ये देखिए लेटरल एंड पे कैसा हो रहा है, कॉनकेव फॉरवर्ड हो रहा है, और मीडियल एंड पे कैसा हो रहा है, कॉन्वेक्स फॉरवर्ड हो रहा है। तो आपको ये पहचान में आ जाएगा कि कौन सा एंड कौन सा लेटरल है कि कौन सा मीडियल है। दो चीजों की पहचान हो गई। उसके बाद अपन ने क्या देखा कि इंफीरियर सरफेस जो थी, मीडियल 2/3 की जो इंफीरियर सरफेस थी, वहां पर एक ग्रूव यानी कि गड्ढा दिखाई दे रहा था। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा नीचे का है कौन सा ऊपर का है। ये देखिए, ये जो ग्रूव दिखाई दे रहा है आपको, गड्ढा इंफीरियर सरफेस पे था ये, ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी इंफीरियर सरफेस है और कौन कौन सा नीचे का पार्ट है और कौन सा ऊपर का पार्ट है, ठीक है? तो ये इन तीन चीजों से, और द प्रेजेंस ऑफ रफ एरिया नियर द इंफीरियर सरफेस ऑफ द, ठीक है, मीडियल एंड, तो ये तीन चीजों से आपको पता चल जाएगा कि कौन सी बोन राइट साइड की है और कौन सी लेफ्ट साइड की है, ठीक है? उसके बाद अपन देखते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन में, सेक्स डिटर्मिनेशन यानी कि मेल और फीमेल्स में उसका किस तरीके से रहती है, अपन कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर कोई बोन पड़ी हुई है वो फीमेल की है या फिर मेल की है, तो वो अपन देखेंगे। तो फीमेल की जो क्लेविकल रहेगी वो शॉर्टर रहेगी, छोटी रहेगी, लाइटर रहेगी, हल्की रहेगी, थिनर रहेगी, पतली रहेगी, स्मूथर रहेगी, और उसमें कर्व जो रहेगा वो लेस रहेगा एज कम्पेयर टू मेल्स। कर्व तो रहेगा लेकिन कम रहेगा एज कम्पेयर टू मेल्स। दूसरी चीज क्या रहेगी, फीमेल में जो लेटरल एंड रहेगा वो मिडिल एंड से कुछ बिलो रहेगा, यानी कि इस तरीके से रहेगा। जो मीडियल एंड है, यहाँ पे ये मीडियल एंड है जो कि स्टर्नम से अटैच हो रहा है, और ये लेटरल एंड है जहाँ पे लिम्ब अटैच है, ठीक है, एक्रोमियन प्रोसेस से जाके अटैच हो रहा है। तो लेटरल एंड जो रहेगा वो कुछ नीचे रहेगा एज कम्पेयर टू मीडियल एंड, ठीक है? लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल इज लिटिल बिलो द मीडियल एंड। और तीसरा क्या रहेगा, तो वही उसका अपोजिट कर देते हैं, मेल्स में लेटरल एंड या तो सेम लेवल पे रहेगा, ठीक है, या फिर ऊपर रहेगा, ठीक है? तो मीडियल एंड से ऊपर रहेगा, ठीक है? तो इतना आपको समझ में आ गया। ये तीन चीजों से आप सेक्स डिटरमाइन कर सकते हैं कि फीमेल में कैसी रहेगी, शॉर्टर रहेगी, लाइटर रहेगी, थिनर रहेगी, स्मूथर रहेगी, और कर्वेचर कम रहेगा। फीमेल्स में दूसरी चीज क्या रहेगी, लेटरल एंड जो रहेगा वो कम, क्या नाम है, नीचे रहेगा देन द मीडियल एंड। और मेल्स में कैसा रहेगा, या तो इक्वल रहेगा या तो ऊंचा रहेगा, ठीक है, या तो सेम लेवल पे रहेगा या फिर हाई लेवल पे रहेगा। उसके बाद पिकुलैरिटीज, क्या ऐसी चीजें हैं जो क्लेविकल को अलग करती हैं दूसरी बोन्स को, ठीक है? अब देखिए, बाकी जितनी भी आपको बोन्स दिखाई दे रही हैं, यहाँ पे अपन ने देखी थी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, जितनी भी बोन्स थी लॉन्ग बोन्स, वो सब कैसे प्रेजेंट थी, वर्टिकल प्रेजेंट थी। लेकिन यहाँ पर क्या आपको दिख रहा है, ये देखिए हॉरिजेंटल एक्सिस पे प्रेजेंट है। क्लेविकल इज द ओनली लॉन्ग बोन विच प्रेजेंट दैट लाइज हॉरिजेंटली, हॉरिजेंटल प्रेजेंट होने वाली एक सिंगल इकलौती, क्या नाम है, लॉन्ग बोन है जिस जो कि हॉरिजेंटली प्लेस्ड रहती है। दूसरी चीज क्या रहती है, ये लॉन्ग बोन्स ऐसी हैं जो कि सिर्फ इकलौती लॉन्ग बोन है जो कि मेम्ब्रेन में ऑसिफाई होती है, ठीक। तीसरी चीज क्या है, इसमें दो प्राइमरी सेंटर रहते हैं ऑफ ऑसिफिकेशन। पहली बोन जो कि स्टार्ट करती है ऑसिफाइंग इन द फीटस, फीटस के टाइम से ही ऑसिफाई होना चालू हो जाती है, ठीक है, और सब क्यूटेनियस रहती है। अपन ने इसको टच करके भी फील किया था कि ये मतलब छूने से ही फील हो जाती है, इसलिए सब क्यूटेनियस है, ठीक है? तो उसकी पेकुलैरिटीज फिर से देख लीजिए। लॉन्ग बोन रहती है इकलौती जो कि हॉरिजेंटली प्लेस्ड रहती है। ओनली लॉन्ग बोन दैट ऑसिफाइज इन द मेम्ब्रेन, ओनली लॉन्ग बोन दैट हैज टू प्राइमरी सेंटर्स, ओनली लॉन्ग बोन फर्स्ट बोन टू स्टार्ट ऑसिफाइंग इन द बॉडी ऑफ फीटस, फीटस के टाइम से ही ऑसिफाई होना स्टार्ट हो जाती है और सब क्यूटेनियस रहती है। क्लिनिकल एस्पेक्ट देखते हैं, तो क्लिनिकल एस्पेक्ट, अपन जो जंक्शन था लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3 का, शाफ्ट में दो पार्ट में डिवाइड किया था लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3, तो उसका जो जंक्शन था वो मोस्ट कॉमन साइड रहती है किसकी,
फ्रैक्चर होने की, उन दोनों पॉइंट में फ्रैक्चर होने के चांसेस, उन दोनों के जंक्शन में फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर जो कर्वेचर रहता है, कर्वेचर ऑफ द बोन, ठीक है, वहां पर वो ट्रांसमिट करता है, ठीक है ना, वेट को ऑफ द अपर लिम्ब टुवर्ड्स द क्लेविकल। क्लेविकल अपन ने देखा था कि क्या कर रही थी, ट्रांसमिट कर रही थी वेट को, वेट ऑफ द लिम्ब टुवर्ड्स स्टर्नम। तो वेट जब ट्रांसफर होगा लिम्ब का स्टर्नम की तरफ, तो उसके जो जंक्शन होगा वहां पर क्या नाम है, इफेक्ट आएगा, और वहां पर जब दबाव पड़ेगा तो दबाव पड़ने के कारण फ्रैक्चर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो शाफ्ट के लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3 के जंक्शन पे फ्रैक्चर होने के चांसेस इंक्रीज रहते हैं, ज्यादा रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वहां पर कर्वेचर रहता है और क्लेविकल क्या करती है, ट्रांसमिट करती है वेट ऑफ द अपर लिम्ब को टुवर्ड द स्टर्नम। तो इस चक्कर में वहां पर दबाव पड़ता है, फ्रैक्चर होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। अब लास्ट में देख लेते हैं इसके मसल अटैचमेंट, ठीक है, मसल अटैचमेंट की क्लेविकल से कौन कौन सी मसल से अटैच रहती है। मसल अटैचमेंट देखने से पहले अपन दो चीजें देख लेते हैं, इसकी ओरिजिन क्या, ओरिजिन और इंसर्जन, ये आपको दो वर्ड दिखाई देंगे, इसका मतलब समझ लीजिए। ओरिजिन वो होती है, ठीक है, मसल्स की ओरिजिन वो होती है जहां पर वो फिक्स्ड रहते हैं, ठीक है ना, फिक्स्ड मूवमेंट जहां पर भी होगा उसे ओरिजिन कहते हैं, और मूवेबल मूवमेंट को इंसर्जन कहते हैं। ठीक है, अगर किसी मसल का ओरिजिन लिखा है यानी कि वो फिक्स्ड है, ठीक है, और अगर इंसर्जन लिखा है यानी कि मसल जो रहती है वहां पर मूव कर सकती है। ठीक है, तो अपन ने देख लिए सबसे पहले लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट में कौन कौन सी मसल्स अटैच रहती हैं। ठीक है, लेटरल 1/3 में अपन ने दो देखा था कि एक तो सबसे पहले तो ये फ्लैट था, तो उसमें दो बॉर्डर थे और दो सर्फेस थे, तो दोनों बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर और पोस्टीरियर बॉर्डर पे कौन कौन सी मसल्स अटैच हैं, डेल्टॉइड अटैच है। ठीक है, ये आपको डेल्टॉइड दिख रहा होगा, ठीक है, डेल्टॉइड अटैच रहती है एंटीरियर साइड पे, और पोस्टीरियर साइड पे क्या रहती है अटैच, ठीक है, तो एंटीरियर साइड पे ओरिजिन रहता है डेल्टॉइड का, ठीक है, यानी कि फिक्स्ड रहती है, और पोस्टीरियर बॉर्डर पे क्या रहता है, ट्रेपीजियस का इंसर्जन होता है। ठीक है, दो चीजें अपन ने देखी, तो लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट में दो दो बॉर्डर थे, एंटीरियर और पोस्टीरियर, तो एंटीरियर बॉर्डर पे क्या है, डेल्टॉइड का ओरिजिन हो रहा है, और पोस्टीरियर बॉर्डर पे क्या हो रहा है, ट्रेपीजियस का इंसर्जन हो रहा है। अब मीडियल 2/3 की बात करते हैं, तो मीडियल 2/3 पे अपन ने क्या देखी थी, चार सरफेस थी, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर। तो एंटीरियर सरफेस पे पेक्टोरलिस मेजर का क्या हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, एंटीरियर सरफेस पे पेक्टोरलिस मेजर का ओरिजिन हो रहा है। उसके बाद सुपीरियर सरफेस ऊपर वाले पार्ट से किसका ओरिजिन हो रहा है, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड, इसको समझिए। देखिए मेस्टॉइड प्रोसेस रहती है हमारे क्या नाम है, ऊपर वाले पार्ट में, ठीक है, स्कल में मेस्टॉइड प्रोसेस रहती है। अब स्टर्नो यानी कि स्टर्नम और क्लीडो यानी कि क्लेविकल, तो क्लेविकल स्टर्नम और मेस्टॉइड प्रोसेस तक जाती है, तो कहाँ जाएगी, ऊपर जाना है उसको, ऊपर जाना है तो फिर कौन सी सरफेस होगी यहाँ पे, सुपीरियर सरफेस होगी। ठीक है, स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड का ओरिजिन कहाँ से होगा, सुपीरियर सरफेस से होगा। और उसके बाद सबसे लास्ट में देखते हैं इंफीरियर सरफेस में एक ग्रूव देखा था हमने, उस ग्रूव को क्या कह रहे थे, सबक्लेवियन ग्रूव था, तो सबक्लेवियन ग्रूव में किसका, सबक्लेवियस मसल का इंसर्जन होता है। तो अपन ने पांच मसल्स देखी, कौन कौन सी, लेटरल 1/3 से और मीडियल 2/3 से। लेटरल 1/3 में एंटीरियर और पोस्टीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर से डेल्टॉइड का ओरिजिन, पोस्टीरियर बॉर्डर से ट्रेपीजियस का इंसर्जन। उसके बाद मीडियल 2/3 देखा, तो मीडियल 2/3 में आगे वाले से एंटीरियर सर्फेस पेक्टोरलिस मेजर, सुपीरियर क्योंकि ऊपर जाना है उसको, मेस्टॉइड प्रोसेस की तरफ जाना है, और स्टर्नम से भी अटैच है और क्लेविकल से भी, तो स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड का ओरिजिन कहाँ से, सुपीरियर सर्फेस पे, और इंफीरियर सर्फेस पे ग्रूव प्रेजेंट था जिसे हम सब क्लेवियन ग्रूव कह रहे थे, तो वहां पर कौन सी, किसका इंसर्जन है, सबक्लेवियन मसल का इंसर्जन है। तो दो का इंसर्जन है, ट्रेपीजियस और सबक्लेवियस का, और तीन का ओरिजिन हो रहा है। चलिए अब इसे फटाक से रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या देखा कि अपर लिम में हमारी कितनी टोटल कितनी, 64 बोन्स है, ईच साइड में 32 है। ठीक है, 32 हमने देख ली थी। उसके बाद हमने क्लेविकल देखा, तो सबसे पहले देखा कि लॉन्ग बोन है और ये क्या करती है, सपोर्ट करती है शोल्डर को, सो दैट द आर्म कैन स्विंग क्लियरली अवे फ्रॉम द ट्रंक। ठीक है, आर्म को मूव करने के लिए, ठीक है ना, स्विंग करवाने के लिए सपोर्ट करती है शोल्डर को, और ट्रांसमिट करती है वेट ऑफ द लिम्ब टूवर्ड द स्टर्नम, इस लिम्ब का वेट ट्रांसफर करती है स्टर्नम की तरफ। ठीक, उसके बाद हमने इसके सिनोनिम्स देखे, तो मेल में से कॉलर बोन कह रहे थे, फीमेल में से ब्यूटी बोन कह रहे थे। शेप कैसा था, तो इसका एस शेप्ड था, ठीक है, एस शेप्ड बोन भी कहते हैं उसे। उसके बाद टाइप ऑफ बोन कैसा, तो मॉडर्न के अकॉर्डिंग इसे लॉन्ग बोन कहते हैं, स्लाइटली कर्व्ड रहती है, आयुर्वेद के हिसाब से इसे नलक अस्थि यानी कि लॉन्ग बोन के अंतर्गत रखा गया है।
उसके बाद हमने इसके पार्ट्स देखे थे। लेटरल एंड को हम एक्रोमियल एंड कह रहे थे, मीडियल एंड को स्टर्नल एंड कह रहे थे, और एक शाफ्ट था। शाफ्ट दो पार्ट में डिवाइड था, लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3। लेटरल 2/3 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी और यहाँ से वेट अगर बियर करेंगे अपन, ठीक है, लिम्ब का अगर वेट आएगा तो यहाँ से फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, इसलिए लेटरल 1/3 को लिया गया था। ठीक, उसके बाद अपन ने देखा था लेटरल 1/3 फ्लैट था, ठीक है। तो फ्लैट होने के बाद इसके दो बॉर्डर थे, दो सरफेस थी, ठीक। बॉर्डर जो था एंटीरियर कैसा था? कॉनकेव फॉरवर्ड था, अंदर की तरफ था इसका कर्व। पोस्टीरियर बॉर्डर कॉन्वेक्स बैकवर्ड था। दो सरफेस थी इसकी, सबक्यूटेनियस जो थी, ठीक है, सुपीरियर सरफेस ऊपर वाली सबक्यूटेनियस ही टच होने पर फील कर टच करने पर फील हो रही थी, और इंफीरियर सरफेस पे एक एलिवेशन था जिसे हम कोनॉइड ट्यूबरकल कह रहे थे, और एक रिड्स थी जिसे हम ट्रेपेजॉइड रिड्स कह रहे हैं। मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट की बात करें तो वो सिलेंड्रिकल थी, सिलेंड्रिकल है मतलब चार सरफेस होंगी, एंटीरियर पोस्टीरियर सुपीरियर इंफीरियर। एंटीरियर कैसी थी? कॉनकेव कॉन्वेक्स फॉरवर्ड थी। पोस्टीरियर कैसी थी? कॉनकेव एंड स्मूथ थी। सुपीरियर रफ थी, और इंफीरियर सरफेस पे मीडियल, इंफीरियर सरफेस के मीडियल एंड पे एक रफ ओवल इंप्रेशन था, ये वाला, ठीक। उसके बाद उसके एक लेटरल हाफ पे क्या रहता है? सबक्लेवियन ग्रूव था, और उस सबक्लेवियन ग्रूव के लेटरल एंड पे एक न्यूट्रिएंट फोरामेन प्रेजेंट था, ठीक। उसके बाद हमने एंड की बात करी थी, तो एक्रोमियल एंड और सब स्टर्नल एंड। एक्रोमियल एंड कैसा था? फ्लैट था, और ये किससे आर्टिकुलेट हो रहा था? एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, जा क्या बना रहा था? एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट। और स्टर्नल एंड कैसा था? ठीक है, तो क्वाड्रेंगुलर था, और ये किससे अटैच हो रहा था? मैनुपल्स ज्वाइंट बना रहा था। साइड डिटरमिनेशन हमने क्या पता लगाया गया, कैसे राइट होगी, कौन सी लेफ्ट होगी? तो सबसे पहले देखा था कि लेटरल एंड रहेगा वो फ्लैट रहेगा, मीडियल एंड क्वाड्रेंगुलर रहेगा, तो आपको लेटरल और मीडियल एंड का पता चल जाएगा। उसके बाद शाफ्ट हमने देखा कि कॉन्वेक्स फॉरवर्ड कहाँ से होगा, ठीक है, तो कॉन्वेक्स फॉरवर्ड था कहाँ? मीडियल 2/3, और कॉनकेव फॉरवर्ड था लेटरल 1/3, ठीक। उसके बाद क्या देखा हमने कि नीचे वाली सरफेस देखी थी किससे? कि सबक्लेवियन ग्रूव प्रेजेंट होगा तो वो इंफीरियर सरफेस होगी। इस तरीके से हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि राइट है कि लेफ्ट है। उसके बाद सेक्स डिटरमिनेशन में कैसे होगा? फीमेल्स की बोन्स रहती शॉर्टर रहेगी, ठीक है, लाइटर रहेगी, थिनर रहेगी, स्मूथर रहेगी, लेस कर्वेचर रहेगा। फीमेल्स की जो रहेगा लेटरल एंड ऑफ द क्लेविकल थोड़ा सा नीचे रहेगा मीडियल एंड से, मेल्स में कैसा रहेगा? या तो सेम लेवल पे रहेगा या तो हायर लेवल पे रहेगा मीडियल एंड से, ठीक है। पेगुलैरिटीज में अपन ने क्या देखा था? लॉन्ग बोन है जो कि हॉरिजेंटली प्रेजेंट रहती है, सबसे पहले स्टार्ट ऑसिफाई होती है मेम्ब्रेन्स में, ठीक है ना, ऑसिफाई स्टार्ट हो जाता है, ऑसिफिकेशन स्टार्ट हो जाता है मेम्ब्रेन्स में ही, ठीक। दो प्राइमरी सेंटर रहते हैं इसके, ऑसिफाई होती है, ठीक है ना, इन द बॉडी ऑफ फीटस से ही स्टार्ट हो जाती है, और सबक्यूटेनियस यानी कि टच करने पर फील होता है। क्लिनिकल एस्पेक्ट क्या देखा था? शाफ्ट के लेटरल 1/3 और मीडियल 2/3 के बीच में जो रहता है, ठीक है ना, इसका कॉमन फ्रैक्चर का पॉइंट रहता है, ठीक है, वहां पे फ्रैक्चर होने के चांसेस इंक्रीज होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने मसल अटैचमेंट देखी थी, मसल अटैचमेंट में हमने दो चीज देखी थी कि इसमें लेटरल 1/3 ऑफ द शाफ्ट में डेल्टॉइड और ट्रेपीजियस, एंटीरियर बॉर्डर से डेल्टॉइड का ओरिजिन हो रहा था, पोस्टीरियर बॉर्डर से ट्रेपीजियस का इंसर्जन हो रहा था, और मीडियल 2/3 ऑफ द शाफ्ट से क्या हो रहा था? एंटीरियर सरफेस से पेक्टोरलिस मेजर का ओरिजिन हो रहा था, और मीडियल 2/3 से सुपीरियर सरफेस ऊपर जाना है मेस्टोइड से, मेस्टोइड प्रोसेस की तरफ, तो ऊपर सुपीरियर सरफेस से स्टर्नोक्लेडोमास्टॉइड का ओरिजिन हो रहा है, और सबक्लेवियन ग्रूव में इंफीरियर सरफेस में सबक्लेवियन ग्रूव प्रेजेंट था, उस ग्रूव में सबक्लेवियस मसल का इंसर्जन हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, तो अगले लेक्चर्स में हम स्कैपुला को कवर करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए इसे पढ़ के रखिए, और कोई भी डाउट हो तो पूछ लीजिए। थैंक यू।